Hi guys, welcome back to my channel, Priya's DIY. फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है कि आप घर बैठे मैनीक्योर कैसे कर सकते हैं उस पर. इसके लिए मैंने बहुत ही इजीली अवेलेबल चीज़ों का यूज़ किया है, जिससे आपको पार्लर जाके मैनीक्योर पे 500 रुपीज़ स्पेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है बेकिंग सोडा, लेमन, डव शैम्पू मैंने लिया है जो काफ़ी सेंसिटिव है. आप चाहे तो कोई भी शैम्पू या फिर बॉडी वॉश ले सकते हैं. आप फिर मॉइस्चराइज़र लेना है, बॉडी मॉइस्चराइज़र, आप कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं. फिर यहाँ पे है फेस पैक ब्रश, यह है आपके नेल्स को शाइन करने के लिए. लेकिन अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ इसे बाय कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है. सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा. फिर यह है क्यूटिकल पुशर. फिर यह है एक नॉर्मल सेंसिटिव ब्रश, या फिर आप मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए हम जो नॉर्मली ब्रश यूज़ कर सकते हैं वो भी ले सकते हैं. फिर ये है नेल कटर एंड आपकी फेवरेट कोई भी नेल पेंट. तो चलिए देखते हैं हम किसे मैनीक्योर कर सकते हैं घर पे. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आप अपने नेल पेंट्स को रिमूव कर लीजिए और फिर एक टब में थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए. उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, नींबू और फिर शैम्पू या फिर शावर जेल. आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अपने हाथों को उसमें 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखिए. आप बीच बीच में नींबू के छिलके से आप अपने नेल्स और स्किन को रब कीजिए. इससे हमारे स्किन लाइटन और साथ ही साथ नेल्स भी ग्रो होते हैं. मैं यहाँ पे एक ब्रश की मदद से मेरे नेल्स और क्यूटिकल्स को क्लीन कर रही हूँ. काफ़ी सारा डस्ट हमारे नेल्स में जमा हो जाता है जो अभी हम आसानी से निकाल सकते हैं. अब जेंटली इसे सर्कुलर मोशन में रब करके आपके नेल्स का सारा डस्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ. अब एक नेल क्यूटिकल पुशर की मदद से आप अपने नेल्स के क्यूटिकल को बैक साइड पुश कीजिए. और अगर आपके नेल्स के आजू बाजू में अगर कोई ज़्यादा स्किन आ गई है तो आप उसकी मदद से भी उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ. इसके बाद मैं अपने नेल्स को कट कर रही हूँ. अगर आपके नेल्स बढ़ चुके हैं या अनशेप्ड है तो उसे कट करके उसके बाद आप फाइलर की मदद से अपने नेल्स के शेप को फाइल करें. फिर मैं यहाँ पे माइक्रो पॉलिश टूल की मदद से अपने नेल के ऊपर की डेड स्किन और साथ ही साथ नेल को शाइन दे रही हूँ. अगर आपके पास ये टूल है तो मैं जिस तरह से इसका यूज़ कर रही हूँ आप भी उसे इसी तरह से यूज़ करें. और अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं. इसके बाद मैंने राइस फ्लावर, हनी और मिल्क को ऐड करके एक फेस पैक कम फेस स्क्रब बनाया है. आई एम सॉरी मैं इसकी डिटेल्स आपको पहले बताना भूल गई, लेकिन आप इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. इसको आप अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, और 5 से 7 मिनट बाद इसे जेंटली सर्कुलर मोशन में रब करके निकालिए. इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी और साथ ही साथ टैन रिमूव होगा. एंड लास्ट में मैं अपने नेल्स को पेंट कर रही हूँ. आप भी अपनी फेवरेट नेल पेंट की मदद से आप अपने नेल्स को पेंट कीजिए और साथ ही साथ आप अपने हैंड्स को और नेल्स को मॉइस्चराइज कीजिए. आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ एंड सपल लग रही है. आप इस प्रोसेस को हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार मिनिमम ट्राई कीजिए. आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो. इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर. और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच. बाय.